वो 27 करोड़ तो फिर से गरीबी रेखा के नीचे गिर ही गए हैं 2014 के पश्चात। 14 करोड़ और लोग, भारत के 14 करोड़ और लोग गरीबी रेखा से नीचे गिर गए। देश की अर्थव्यवस्था चौपट, देश के पहलवान सड़कों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन करने में मस्त। आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी? देश की चरमराती अर्थव्यवस्था ठीक कब होगी? कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं केंद्र सरकार से। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के चुप्पी साध रखी है। दिल्ली पुलिस महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी करती है, लेकिन इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। क्या इस पूरे मामले पर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी और देश की जनता ये सवाल पूछ रही है। पवन खेड़ा ने देश की अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो सुना आपने, कांग्रेस पार्टी लगातार देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए संसद भवन के उद्घाटन और अपनी तस्वीरें खिंचवाने से के अलावा कोई भी मतलब नहीं है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना जो अपने लिए एक गौरव की बात मानते हो, ऐसे प्रधानमंत्री की कोई भी टिप्पणी को हम गंभीरता से कैसे लें? जिस विश्व बैंक से ये सर्टिफिकेट लेने को लालायित रहते हैं, उस विश्व बैंक ने डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के लिए कहा था, और वो सबके सामने है, सार्वजनिक पटल पे है ये बात, कि 27 करोड़ लोगों को डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने गरीबी रेखा से उठा लिया था। वो 27 करोड़ तो फिर से गरीबी रेखा के नीचे गिर ही गए हैं 2014 के पश्चात। 14 करोड़ और लोग, भारत के 14 करोड़ और लोग गरीबी रेखा से नीचे गिर गए। यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी जी को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। अगर अर्थव्यवस्था की यह स्थिति हो फिर वो टिप्पणी करें पुरानी सरकारों पर, तो ये तो उनका टूलकिट है। इस टूलकिट को उन्होंने कर्नाटका में भी आजमाने की कोशिश की, वहां उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। आज राजस्थान में भी कोशिश की है, वहां भी उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।